अकबरपुर पुलिस व स्वाट टीम को मिली बड़ी कामयाबी। बीते 23 दिसंबर को हुई दवा गोदाम से लाखों रुपए की दवा चोरी का किया खुलासा। 12 नेशनल हाईवे के पास बने दवा गोदाम से की थी लगभग 50 लाख रुपए कीमत की दवा चोरी। पुलिस टीम ने 20 लाख रुपए की दवा और एक कंप्यूटर समेत दो अंतर जनपदीय चोरों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों पर कानपुर देहात समेत कई जिलों में गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जरौला मोड़ के पास पुलिस ने दवा समेत दोनों चोरों को पकड़ा। क्या मामला है? ये दिनांक 23-24 दिसंबर 2020 की रात में एक मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना हुई थी, जिसमें शटर काट करके उनकी दवाएं और लैपटॉप आदि चोरी हुए थे। आज हमारी सर्विलांस टीम और कोतवाली इंस्पेक्टर अकबरपुर, CO अकबरपुर और चौकी इंचार्ज सर्विलांस टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में इस घटना में जो दवाएं और लैपटॉप गए थे एक माल लोडर सहित बरामद किया है। लगभग 19-20 लाख की दवाएं हैं जो बरामद हुई हैं और साथ में लैपटॉप और एक लोडर और दो अभियुक्त पकड़े गए हैं। ये अभियुक्त सातर किस्म के हैं और अंतर जनपदीय गिरोह के तौर पर काम करते हैं। कानपुर नगर और जालौन में और कानपुर देहात में इनका और महोबा में भी इनके मुकदमा पहले से पंजीकृत हैं। हेस सीटर हैं और सातर के उसके बदमाश हैं। इनको जो है जिस टीम ने बहुत टेक्निकल तरीके से इनको अरेस्ट किया है और माल बरामदगी की है, उसके लिए मैं 10,000 रुपये इनाम की घोषणा करता हूँ। मोटिव इनका जो ये शटर काट करके और जो भी माल मिलता है उसको धीरे धीरे बेच करके अपना पैसा बंटवारा करते हैं। इस क्रम में चूंकि ये दवाएं थी और दवाओं का आसानी से डिस्पोजल नहीं कर पाए, इसीलिए लगभग 6-7 महीने बाद हमको लगभग 98% दवाओं की रिकवरी हुई है। और ये बड़े पैमाने पे क्योंकि दवाओं का डिस्पोजल करना आसान नहीं था, शायद इसीलिए गैंग जो है भारी मात्रा में जो रिकवरी हुई है उसमें सफलता मिली।